हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल, योर्स चैनल एक्चुअली, जिस डे अनदर डे। आपके इस रिफ्रेशिंग डे पे एक रिफ्रेशिंग सा वेलकम करता हूं मैं। और ज़रूर बताइए कि कैसा चल रहा है आपके पास, आपके तरफ चीज़ें कैसी हैं। आज बेसिकली एक फ्रेंड आने वाला है मेरा दिल्ली से, तो दिल्ली से आना है, उड़ीसा आना है, भुवनेश्वर आना है। तो मकसद तो साफ ही है कि उड़ीसा घूमने आना है, और हमारा फर्ज है कि हम उन्हें घुमाएं, इधर दिखाएं कि क्या खासियत है उड़ीसा की, क्या खासियत है भुवनेश्वर की। सो आज मौसम भी बहुत ही हसीन है, आप देख सकते कि कैसा धुंध है। अभी टाइम हो रहा है 8:30 मॉर्निंग, और अभी भी विजिबिलिटी इतनी कम है, लेकिन मज़ा आ रहा है। विजिबिलिटी कम है, तीसरा डे की है तो बहुत ही प्लीजेंट मौसम है, मज़ा आएगा घूमने में। तो आज देखता हूँ, आज गुरुवार है, तो वी आर प्लानिंग टू विजिट पूरी मंदिर डायरेक्टली, क्योंकि उसकी फ्लाइट 9 बजे लैंड करने वाली है। मैं देखता हूँ उसका क्या सिचुएशन है, क्या पसंद करता है बंदा, क्योंकि यहाँ से पूरी बस 60 किलोमीटर है, 1 घंटा लगता है हमें जाने में पूरी की तरफ, तो निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो बेसिकली टाइम ये है कि कम से कम समय में सब कुछ यूटिलाइज करके, सारे समय को यूटिलाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाना उड़ीसा को। सो मिलते हैं उसके आने के बाद, है ना, जस्ट आने ही वाला होगा गाइस। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि मेरे एक बहुत ही अजीज दोस्त आने वाले हैं दिल्ली से, तो यही हैं। दिल्ली का एक चीज़ होता है, लोग घोड़ा हो जाता है, ऐसा क्या है। अरे वहाँ के पानी में थोड़ा क्लोरीन है। क्लोरीन? हाँ, तो क्लोरीन मतलब ब्लीच। हाँ, हाँ, थोड़ा थोड़ा ब्लीच डेली होता है, मतलब आपका पॉकेट में नहीं, में ब्लीच है, तो इस वजह से आप घोड़े हो जाते हैं बाय डिफॉल्ट। इसीलिए आज डाउट क्लियर हो गया मेरा, बहुत साल पहले का। हम भी वहाँ पे थे, एकदम वाइट वाइट स्किन था, इधर आने के बाद थोड़ा डार्क हो जाता है। चलो बात नहीं, अभी हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर में, पूरी मंदिर का प्लान बन चुका है, तो जगन्नाथ दर्शन होगा। और ये काफ़ी फॉर्चुनेट डे है हमारे लिए कि अपना भाई को लेके जाएंगे जगन्नाथ जी का दर्शन। बस बस बस, आप भी जरूर आइए, बहुत मज़ा आएगा, और लाइफ में एक बार आना तो जरूरी चाहिए भाई, जरूर बनता है। जय जगन्नाथ, मिलते हैं रास्ते पे। मम्मा और लाडो दोनों पिंकी पिंकी। हाँ, तो हम लोग आए पेट्रोल पंप, और फ्यूल फिलअप करने के बाद हमारी जर्नी शुरू हो गई। रास्ता शुरू कर चुके हैं हम, और भाई साहब हमारे विराजमान है सारथी के सीट पे, हम हैं और पीछे दोनों लोग बैठ के मजे ले रहे हैं। हम लोग धौली क्रॉस किया है जस्ट, तो भी मैं बता रहा था कि इसके पीछे एक नदी थी, नदी धौली ग्राम है राइट साइड में, और जो नदी यहाँ पे अशोका द ग्रेट ने चढ़ाई किया था, बिहार का जो राजा था अशोका, मगध का राजा था, और उसने कलिंग पे अटैक किया था। वही तो, ये दिस इज अ कलिंगा लैंड, उत्कल कलिंगा, उत्कल कलिंगा, कलिंगा ये है, कलिंगा के राजा होते थे, ठीक है ना। तो उन्होंने ही वो मंदिर बनवाया था के राजा पर, जब अशोक पूरा भारतीय साम्राज्य पे वो करना चाह रहा था ना, तो अटैक किया था, और इतना खून खराबा यहाँ पे हुआ था कि यहाँ पे जो नदी हम अभी क्रॉस करके आए उसमें पूरा खून, पूरा खून का नदी हो गया था, इतना ज्यादा। पर वो राजा हार गया, उसकी बेटी शायद लड़ने आ गई मोर्चे पे, ठीक है, तो वही जब औरत लड़ने आ गई मोर्चे पे, तो वहीं से अशोक का माइंड चेंज हो गया, कलिंगा की बेटी जो आई थी। हाँ, तो वहाँ पे परिवर्तन हुआ, और उसके बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, उसका अहिंसा के रास्ते पे बढ़ गया, बड़ा बड़ा आप यहाँ तक पहुँच गए। तो ये जो घटना स्थल है वो धौली है। हाँ, ऐसा मान्यता है कि उसी पर्वत, वहाँ पे पर्वत शिला है, छोटा सा माउंटेन हिल है, पर्वत शिला, उसी पर्वत शिला पर ये सब घटना का वहाँ पे जो भी इवेंट हुआ था उधर ही हुआ था। तो वहीं पे उसने शांति स्तूप बौद्ध भगवान का मंदिर उन्दिर सब बनाया। वो एक बहुत मतलब फेमस अट्रैक्शन पॉइंट है यहाँ पे, हम जरूर जाएंगे, उसको मिस नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे खाली शांति स्तूप जो है ना, उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ है। अभी हम लोग 50 किलोमीटर टेक्निकली बीच से मंदिर कर रहे हैं, वहाँ से 50 किलोमीटर बीच के बीच में कितने का डिस्टेंस होगा? 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर सामने, तो अभी हम लोग पहुँच जाएंगे।
वैसे अभी थोड़ा भीड़ ज्यादा रहता है। वैसे भी मतलब भुवनेश्वर आके बहुत पॉजिटिव वाइब डेवलप हो रहा है। बहुत सारी जगह ऐसा होता है ना जाने का मन उचाट है, अच्छा फील नहीं है, भुवनेश्वर आने का पता नहीं भगवान के यहाँ जाना है इसका अपना एक अलग जो भी है, जो भी है, लेकिन तुम तो दो बार आए हो, एक बार पहली बार आए हो ना, मैं पहली बार होने हम दो बार आए तो इधर ही पे हो गए भाई, दोबारा मत आना, दूसरा बार आओगे तो जाओगे नहीं, जगह इतना अच्छा है। तो भाई साहब आज पहली बार समुंदर देखेंगे, कितना उम्र हो गया? 31 पार कर गए, समुंदर नहीं देखा, पहाड़ बहुत देखा, पठार देखा, जंगल देखा, समुंदर देखने पहली बार जाके देखते हैं लोग, अलग अलग मिक्स्ड ओपिनियन मिला है लोगों का। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब समुंदर में जाओगे तो देख के पहले डर लगेगा तुमको, शुरू में थोड़ा टाइम लगेगा कंफर्टेबल होने में। कुछ लोग कह रहे पानी ठंडा होगा, कुछ लोग कह रहे पानी गर्म होगा, कुछ लोग कह रहे नहाना चाहिए, कुछ लोग कह रहे नहीं नहाना चाहिए। तो मेरा थॉट है कि अब जाते हैं फिर देखते हैं जो होगा, डर लगता है क्या होता है देखा जाएगा, जब देखना है तो फिर देखना ही है। ये पुरी का बस स्टॉप है क्या? यहाँ पे आएंगे तो बस स्टॉप ये है, अभी बस वगैरह थोड़ा बंद है। अच्छा, बंद नहीं है, चलता है बट लिमिटेड है, और चूंकि दोपहर का समय है तो भीड़ कम मिलेगी अभी। वैसे भी काफी शांत जगह है, बहुत शांत, बहुत जगह घूमा हूँ लेकिन बहुत शांत है, एकदम कोई जल्दीबाजी नहीं है इधर, एकदम इत्मीनान से आइए, इत्मीनान से मजा लीजिए। तो फाइनली हम लोग पूरी शहर में एंटर कर रहे हैं, ये आपका वेलकम गेट है सामने, ये सामने जो आप लोग को दिख रहा है वो वेलकम गेट है पूरी शहर का, हम लोग एंटर करने जा रहे हैं। मंदिर से कुछ किलोमीटर की दूरी पे, 6 किलोमीटर है यहाँ से मंदिर, यहाँ से 6 किलोमीटर मंदिर है, ठीक है। और एक घंटे से कम टाइम में भी रामचंडी बीच 30 किलोमीटर, यहाँ से लेफ्ट लेकर जाना पड़ेगा जो कोनार, जो हम लोग कल का पार्ट है हमारा, कोनार का अगर जाना है तो यही जस्ट लेफ्ट यहाँ से लेके ऊपर चढ़ के आप कोनार की तरफ निकल जाते हैं, कोनार सन टेम्पल, और जो सन टेम्पल के पास बीच है वहाँ भी। अभी हम लोग आज पहुंच चुके हैं मेडिकल स्क्वायर बोलते हैं इस जगह को। ये जो आप सामने रोड देख रहे हैं यही है, इसी पर रथ यात्रा होती है, राइट हैंड साइड पे मंदिर है इस तरफ, और लेफ्ट हैंड साइड पे उनके मौसी माँ का घर है, मौसी मतलब कि गुंडीचा मंदिर, ठीक है। तो ये जब रथ यात्रा होता है तो आप यू कैन सी कि आगे जो वो है इसमें व्हील लगे हुए हैं, ठीक है, ये इसमें कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, ये व्हील लगा हुआ है, इसको हटा दिया जाता है और पूरा रोड एक रनवे के जैसा बन जाता है जिसपे रथ आ सकता है जा सकता है ना। तो अभी राइट लेके बताता हूँ आपको, और इसको क्रॉस करके अगर हम लोग सीधा चले जाते हैं तो बीच आता है, समुद्र आता है। अभी हम लोग यहाँ से राइट लेंगे और राइट में पार्किंग करेंगे, और उसके बाद इलेक्ट्रिक रिक्शा होता है या फिर मैनुअल रिक्शा आपको लेकर जाना पड़ता है, या फिर आप पैदल जा सकते हैं अगर आप चलना पसंद करते हैं तो। अभी जस्ट सामने हमारे मंदिर का झलक आएगा, मन में कुछ भी दुख हो आके इनको सुनाओ, गारंटी है कि आपका दुख दूर होगा, ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत उदार हैं ये, उदार मतलब तो समझ ही रहा हूँ। ये देखो पहला झलक, ऊपर चक्र हमेशा आपके सामने की तरफ देखता हुआ रहता है, और जो मंदिर के ऊपर झंडा लगा है, पताका लगा है, वो हवा के विपरीत दिशा में उड़ता रहता है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा नज़दीक जाके जितना पॉसिबल हो सकता है मैं दिखाता हूँ, इसके आगे हम लोग फ़ोन लेकर नहीं जा पाएंगे तो दैट इज़ अ बैड न्यूज, क्योंकि फ़ोन अलाउड नहीं है, हमें गाड़ी के अंदर ही फ़ोन छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा है कुछ यहाँ का मार्केट ऐसा है, और सॉरी फॉर ये वाइट वाला सीन। लोग यहीं से राइट लेंगे पार्किंग के लिए, पार्किंग में गाड़ी डालेंगे, अपना सारा सामान गाड़ी के अंदर लॉक करेंगे, और यहाँ से
पैदल जाएंगे ज़्यादा, मेरा तो प्रेफर रहता है कि पैदल जाओ भगवान के पास, नंगे पैर जाओ बस, समर्पित हो जाओ। ठीक, ये फ्री सर्विस होती है यहाँ पे, जो भी कंपनियाँ हैं उनके द्वारा दी जाती है, लाइक दे डोनेट दिस व्हीकल। ये वाला है उड़ीसा, OTDC ने किया हुआ है। तो ये जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उन्होंने, उनके लिए काम में आता है। जैसे ये वाला जो सामने है आपके, ये वाला योनो ने किया है, SBI योनो का लगा हुआ है इसके ऊपर। तो ऐसा ही है, काफ़ी सारे हैं। इधर नालको का है, बहुत सारा है। चलिए पार्किंग करते हैं, फिर आगे का देखते हैं क्या हो सकता है। तो दोस्तों, अभी मंदिर के अंदर जाने के लिए आपको एक फ़ोटो आईडी के साथ साथ या तो वैक्सीनेशन का डबल डोज का सर्टिफिकेट हो या फिर निगेटिव RT-PCR का रिपोर्ट हो, दोनों में से कुछ एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। अंदर आप कैमरा नहीं लेकर जा सकते, तो हमने डिसाइड किया कि अपने शूज़ और कैमराज को यहीं पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि अंदर में कैमरा अलाउड नहीं है और इसके बिना ही सब कोई अंदर जाते हैं। तो अब दर्शन करने के बाद आपसे मिलते हैं। जय जय हिंद। तो फाइनली गाइस, हमारा दर्शन अच्छे से हो गया है, तो इसी के साथ कहते हैं जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। तो क्या खा रहे हो आप? ये क्या है? खाजा ना भाई, यहाँ का फेमस है। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे खाजा लिया, तो हमने अवरा खाया अंदर महाप्रसाद, जो कि बहुत ही तृप्त हो गया मन खाकर। और जो कोई भी यहाँ पे, मैं दिखा, ये जगन्नाथ टेंपल है और इनका फ्लैग आप देख सकते हो, ये चक्र है। जितने ही मेरे सब्सक्राइबर है और जो भी हमारे ये ब्लॉग देख रहे हैं अभी, सच्चे दिल से, श्रद्धा से, भगवान से, जगन्नाथ से जो भी आपकी मनोकामना है वो मांगिए, ज़रूर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। सो कहते हैं साथ, वंस अगेन जय जगन्नाथ। हमारा दर्शन हुआ कंप्लीट, और ये पार्किंग एरिया है, कार पार्किंग, और ये हमारी गाड़ी है। तो आज का दिन कुछ ऐसा ही बीता जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा, और जैसा हमने सोचा था बिल्कुल हमारे सोच के जैसा ही था, और काफ़ी अच्छे से हमने दर्शन किया, हमारे दोस्त ने भी किया। और ये खूबसूरत सा तालाब यहाँ पे पूरी में मंदिर के जस्ट सामने है। इसी तरह दोस्तों अपना प्यार बनाए रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जय जगन्नाथ।